बाद 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 2 मिनट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोहरीकरण के कार्य पे ट्रैक पे देखिए, तो देखिए दोहरीकरण का कार्य चल रहा है यहाँ पे। काम चल रहा है अभी। हम बिलवाई जो ट्रैक है जहाँ से हम वीडियो शुरू किए थे उसकी आगे का हम दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे। करीब 2 घंटी लगा है स्टेशन से पहले। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम देखिए काफ़ी दिनों बाद शाहगंज जंक्शन से अकबरपुर जंक्शन तक का देखिए दोहरीकरण का कार्य दिखाने वाले हैं और दोहरीकरण का अपडेट पूरा देने वाले हैं शाहगंज जंक्शन से अकबरपुर जंक्शन तक का। तो एक महत्वपूर्ण बात बता दें आप सभी को, आज हम कोई ट्रेन से अपडेट नहीं देने वाले हैं आप सभी को, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ दूर का बाइक के माध्यम से अपडेट देने वाले हैं दोहरीकरण का, कहां कहां तक कार्य पूरा हुआ है और कब से ट्रेन चालू होने वाला है तो इसका भी हम बताने वाले हैं कब से ट्रेन, इस पर कुछ कुछ ट्रेनें चालू होने वाले हैं। तो चलिए हमारे इस अपडेट में बने रहिए और बैक कैमरे के माध्यम से हम शुरू करते हैं आज शाहगंज जंक्शन से अकबरपुर जंक्शन तक का अपडेट। तो अपना प्यार सपोर्ट इस भाई पर बनाइए और फुल सपोर्ट दीजिए हम पर। तो साथियों आप लोग देख रहे होंगे सामने जिस हम ट्रैक पे इस समय खड़े हैं तो इस पर अभी कोई ट्रेन आ नहीं रही है। 17 तारीख तक अभी कोई ट्रेन इस पर आएगी नहीं, सभी ट्रेनें डाइवर्ट हैं, कुछ ट्रेनें कैंसिल हैं। तो आगे देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक का काम चल रहा है, तो मेन लाइन पे तो काम चल रहा है पूरा और पूरी तरह से लाइन को शट डाउन कर दिया गया है। और यहाँ पे दोहरीकरण का कार्य भी चल रहा है। आगे हम आगे चल के दिखाना चाहेंगे, करीब 1 से 1.5 किलोमीटर चल के हम दिखाएंगे, फिर उसके बाद हम बाइक के माध्यम से आगे जाएंगे, आगे से किसी माध्यम से किसी सारे हम आपको दोहरीकरण का अपडेट दिखाने वाले हैं। तो बने रही वीडियो में, आगे चल के दिखाते हैं क्या हो रहा है। तो देख रहे होंगे आप लोग कि इलेक्ट्रिक का देखिए यहाँ पे कुछ काम चल रहा है और दोहरीकरण का काम है कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि अभी हमको जानकारी प्राप्त हुआ है। अभी देखिए सुपरवाइजर ने बताया कि दोहरीकरण का काम पूरा हो चुका है। तो ये देखिए दोहरीकरण का यही कार्य देखिए जो आपको दिख रहा होगा बीच वाला, तो ये दोहरीकरण का कार्य है। अभी आगे चल के दिखाते हैं कहाँ तक हुआ। फिलहाल देखिए यहाँ पे देखिए कुछ काम चल रहा है इलेक्ट्रिक का काम चल रहा, पीछे भी काम चल रहा जैसा कि आप लोग देखें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए पुलिया है, पुलिया को देखिए पेंटिंग किया गया है काफ़ी बढ़िया तरीके से। और आगे देखिए इलेक्ट्रिक का काम चल रहा है और आगे काफ़ी मजदूर लोग लगे हुए हैं। देखते हैं, देखिए नया बॉक्स लगाया गया है दोहरीकरण के लिए, देखिए यहाँ पे नया बॉक्स लगाया है कुछ प्रकार का और पूरा पेंटिंग भी हो चुका है और दोहरीकरण का कार्य पूरा कम्प्लीट हो चुका है जैसा कि अभी हम जानकारी प्राप्त किए। और देखिए नया सिग्नल लगा हुआ है, ये नया सिग्नल है, अभी देखिए उस पर कोई वायरिंग हुआ नहीं है। तो फिलहाल अभी हम आगे चल के दिखाते हैं और देखिए इलेक्ट्रिक का काम चल रहा है इस समय, दोहरीकरण का जो काम हुआ है। आगे देखिए ये पूरा देखिए आगे लूप लाइन ये देखिए मिल गया है आगे, और देखिए इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं कुछ मजदूर भाई लोग। अभी हम आगे चल के दिखाते हैं थोड़ा सा व्यू दोहरीकरण का, कहाँ तक दोहरीकरण हुआ है। करीब 19 तारीख या 20 तारीख को काम कंप्लीट हो जाएगा पूरा। और उधर आजमगढ़ रेलखंड साइड देखिए दोहरीकरण का काम हो रहा है, उस पर देखिए इलेक्ट्रिक का खंभा पीछे लगाया जा रहा है। और ये देखिए जो सीधे चला जाता है ये लूप लाइन चला जाता है दोहरीकरण का, ये देखिए लूप लाइन में चला जाता है। आगे देखिए ये टर्निंग हुआ है पूरा, यहाँ पर कटिंग वटिंग सब कुछ हो गया है और यहाँ पर थोड़ा सा अभी एक जगह नहीं हुआ है। तो काफ़ी मोटा मोटा साथियों देखिए स्लीपर लगाया गया है, यहाँ देखिए यहाँ पे भी देखिए जुड़ैया होगा, यहाँ पे भी बिल्डिंग होगा तो इसको जोड़ा जाएगा। तो फिलहाल अभी हम आगे चल के दिखाते हैं आगे तक क्या सीन है। तो आज जो दोहरीकरण का हम अपडेट दिखाने वाले हैं तो कुछ कुछ दूरी का दिखाने वाले हैं क्योंकि बाइक के माध्यम से हम आप सभी को दिखाएँगे और जल्द ही आप सभी को शाहगंज जंक्शन का पूरा अपडेट मिलने वाला है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 4 तक का क्या क्या वर्क हो रहा है, क्या क्या काम हो रहा है, उसका व्यू दिखाने का हम प्रयास करेंगे आप सभी को। फिलहाल दोहरीकरण का हम अपडेट दिखाने का प्रयास किए आप सभी को आज।
बता दें साथियों, जगह जगह देखिए गोमटी दर्शाया गया है। देखिए गोमटी नंबर 4 है और इधर गोमटी नंबर 3 है। तो करीब हम सागन जंक्शन से 1 किलोमीटर के आगे आ गए हैं और करीब 1 से 1.5 किलोमीटर और हम आगे जाएंगे, दिखाएंगे आप सभी को दोहरीकरण का कार्य। तो बता रहे साथियों कि आगे देखिए वहाँ से टर्न हो चुका है और दोहरीकरण देखिए वहाँ से होते हुए आ रहा है। ये देखिए आगे टर्निंग हुआ है, ये देखिए सीधे चला जाता है आजमगढ़ की साइड राइट साइड और स्ट्रेट चला जाता है अकबरपुर होते हुए अयोध्या। तो देखिए वहाँ पे भी बहुत बड़ी पुलिया बन के तैयार हो गया है, तो उसका हम दूसरे दिन अपडेट देने वाले हैं आजमगढ़ साइड वाला। फिलहाल आज हम दोहरीकरण का अपडेट दिखाने वाले हैं आप सभी को, सागर जंक्शन से अकबरपुर जंक्शन तक का। देखिए आगे कुछ काम हो रहा है, उसका भी दिखाने का प्रयास करेंगे आप सभी को। सकते हैं कि सागर से भी हम आगे आए हैं 1 किलोमीटर आगे। देखिए यहाँ पे भी एक टर्निंग पॉइंट बनाया गया है, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक के लिए देखिए यहाँ टर्निंग पॉइंट किस प्रकार का बना दिया गया है, तभी आगे इसको जोड़ा नहीं गया है, तो इसका भी काम जल्द पूरा हो जाएगा। तो पैदल चलना हो रहा है साथियों, अभी कुछ दूर तक हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ दूर तक हम आपको दिखा पा रहे हैं, तो उसके आगे का सीन हम गाड़ी के माध्यम से दिखाएंगे। हर स्टेशन पे चल चल के हम आपको दिखाएंगे दोहरीकरण का कार्य क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होने वाला है। तो काफ़ी संख्या में मजदूर भाई जगह जगह लगे हुए हैं और बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, रात दिन काम चल रहा है और जगह जगह गोमटी आप देख ही रहे होंगे साथी। हेलो साथियों, बता दें कि हमारे देखिए बाईं तरफ देखिए लूप लाइन का ये देखिए यहाँ पे क्रॉस हो चुका है, इसके आगे देखिए ट्रेन जगह यहाँ पे देखिए क्रॉस कर दिया गया कुछ प्रकार का। अभी देखिए यहाँ पे पूरी तरह से इस पे यहाँ पे घोड़े का निशान नहीं बनाया गया है, अभी जल्द इस पे पेंटिंग हो जाएगा। फिलहाल ये हम इस समय मेन लाइन पे खड़े हैं, अकबरपुर अयोध्या वाले सेक्शन पे खड़े हैं। तो पूरा अपडेट आज हम देखिए दोहरीकरण का देने वाले हैं, कहाँ से कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसका व्यू दिखाने वाले हैं आप सभी भाइयों को। आगे भी देखिए एक गुमटी वहाँ पर बनाया गया है, गुमटी संख्या 5, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे पूरे पन्ने से पूरा देखिए ढक दिया गया है, पूरा वाटर प्रूफ कर दिया गया है ताकि रात में ठंड न लगे। और फिलहाल हम ट्रैक पर देखिए चल रहे हैं पैदल के माध्यम से और देख सकते हैं उधर आजमगढ़ का पूरा लाइन है। यहाँ देख रहे हैं दोहरीकरण का काम देखिए काफ़ी जोरों से चल रहा है, देखिए यहाँ पे भी एक टर्निंग पॉइंट बनाया गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे देखिए टर्निंग पॉइंट के पास मशीन पर काम कर रहे हैं। चलिए हम आगे थोड़ा चल के दिखाते हैं क्या हो रहा है। तो साथियों, हम देखिए इस समय मौजूद हो चुके हैं सागंज स्टेशन के आगे बिलवाई स्टेशन के पास। देखिए बिलवाई स्टेशन के पास देखिए रेलवे फाटक है, तो यहाँ पे देखिए दोहरीकरण का काम यहाँ से आगे तक देखिए हो चुका है। जैसा कि सूत्रों के अनुसार हमको पता चला है, जानकारी के अनुसार पता चला है कि मालीपुर तक दोहरीकरण का कार्य पूरा हो चुका है और कल चालू हो जाएगा। कल यहाँ से सागंज से मालीपुर तक जो है वो दोहरीकरण का ट्रैक चालू हो जाएगा और कल शायद इसका शुभारंभ भी होना है जैसा कि हम देख पा रहे हैं। काफ़ी जोरों से काम लगा हुआ है, अधिकारी लोग आए हुए हैं लखनऊ से निरीक्षण कर रहे हैं इस काम का। तो चलिए अभी हम बिलवाई स्टेशन के पास चलते हैं, वहां से पूरा दिखाते हैं दोहरीकरण का दृश्य, बने रही वीडियो में हमारे। तो बता दें साथियों, कल देखिए यहाँ पर दोहरीकरण का जो कार्य है जो ट्रैक है, कल से देखिए सागन जंक्शन से मालीपुर जंक्शन तक का दोहरीकरण का कार्य पूरा हो जाएगा। कल से इसका शुभारंभ है, कल से ट्रैक देखिए चालू हो जाएगा, जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे काम हो रहा है और काफ़ी जोरों से यहाँ पे काम चल रहा है ट्रैक पे दोहरीकरण के। और देखिए नया यहाँ पे देखिए पटरी लगाई गई है, देखिए वहाँ पे देखिए ज्वाइंट हुआ है और जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे देखिए एक ट्रैक बिछाया जा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 2 के लिए। और देखिए लूप लाइन का देखिए लाइन है, ये देखिए आगे
स्टॉप हो जाएगा। तो लूप लाइन का देखिए ट्रैक बिछाने का काम किया जा रहा है, देखिए यहाँ पर समथल किया जा रहा है जेसीबी के माध्यम से। तो अभी हम चलते हैं स्टेशन के पास, बिलवाई स्टेशन के पास, वहाँ पे दृश्य दिखाते हैं वहाँ का। और देख सकते हैं बिलवाई का एक नया बोर्ड भी लगा हुआ है एक प्लेटफॉर्म पे, तो उसका हम व्यू दिखाने का आप सभी प्रयास करेंगे साथियों। तो साथियों जो आपको देख रहे होंगे सामने ये ट्रैक, ये देखिए दोहरीकरण का कार्य हुआ है, और एक उधर से देखिए कोई इंजन आ रहा है, उधर देखने का प्रयास करेंगे। करीब यहाँ पे 3 ट्रैक हमको देखने मिल रहा है, उधर भी देखिए एक लाइन देखने मिल रहा है। फिलहाल हम बिलवाई स्टेशन के पास मौजूद हैं और यहाँ का पूरा दृश्य दिखाने का आपको सभी को प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए चेकिंग किया जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्टिंग किया जा रहा है, चक्रा का चेकिंग किया जा रहा है जैसे कि हम देख पा रहे हैं। और देखिए सामने शिवव्रत सिंह चिंडल एकेडमी है, तो काफ़ी विहंगम दृश्य यहाँ पे देखने को मिल रहा है शिवव्रत सिंह कॉलेज का। और फिलहाल देखिए रेलवे का कार्य चलता हुआ सामने, और वहाँ देखते हैं उस प्रकार कटिंग हो रहा है जैसे कि हम देख पा रहे हैं, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम चल रहा है। और अभी हम आगे दृश्य दिखाने का आप सभी प्रयास करें भाई लोग। तो साथियों इस समय हम देखिए बिलवाई स्टेशन पर दोहरीकरण का जो कार्य चल रहा है, तो उसका अपडेट दिखाने के हम आप सभी प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ प्रकार की मशीन लगी हुई है, और यहाँ पे एक होल करने का काम देखिए कर रहे हैं, यहाँ पे पत्ती लगाने का काम कर रहे हैं, जो काफ़ी भाई लोग लगे हुए हैं इस काम को पूरा करने में। देखिए अभी करेंगे तो इसको हम आपको दिखाएंगे, तो कैसे होता है भैया इसका थोड़ा करके दिखाइए आप लोग, तो आवाज़ आएगा साथियों थोड़ा। अब देखेंगे अभी जनरेटर उसमें लगा हुआ है। कौन सा लड़का, तो क्या नाम है भाई आपका? चलिए अभी बात बात करेंगे। बताना चाहेंगे अर्थिंग के लिए देखिए यहाँ पे होल होता है, तो कितने दूरी पे यहाँ पे होल होता है जैसा कि हम आप बता सकते हैं? अच्छा कितने दूरी पे यहाँ से कितने दूरी पे होता है अर्थिंग, कितने दूरी पे लगता है करीब आपका अनुमान? हर 35। अच्छा अच्छा तो कहाँ से आप लोग हैं? फरुखाबाद से। तो कितने दिन तक काम चलेगा कुछ आइडिया है? हाँ, 2-3 दिन और इसके आगे जाएंगे आप लोग? अच्छा बिहार साइड में चल... भी काम चल रहा है। अच्छा लखनऊ भी काम चल रहा है, इसके बाद कहीं आपका प्रोजेक्ट कुछ होगा प्लान होगा? बिहार है, कलकत्ता है, अच्छा लखनऊ है, इटावा है। तो इसके पहले बाद में आप लखनऊ जाएंगे कि बिहार जाएंगे? अच्छा मतलब हर जगह काम चल रहा है। अच्छा अच्छा जगह जगह मतलब डिवाइड हो जाएगी, तो चलिए। अच्छा अच्छा 20 आदमी आप लोग हैं, तो आप कौन हो भैया, आप सुपरवाइजर हैं क्या? अच्छा पूरे सबके आप टीम के सुपरवाइजर हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? श्यामू शर्मा। आपका नाम? अच्छा भाई आपका? अच्छा सभी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस दोहरीकरण कार में लगे हुए हैं, बहुत बहुत आपका आभार करते हैं और धन्यवाद देते हैं इस दोहरीकरण कार में बनाने के। नमस्कार नमस्कार। तो बताना चाहेंगे साथियों यहाँ पे देखिए ट्रैक बिछाने का काम चल रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 1 के लिए, बिलवाई स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 के लिए दोहरीकरण का काम चल, ट्रैक बिछाने का काम चल रहा है। फिलहाल आप दोहरीकरण देख सकते हैं, दोहरीकरण के हम बीचों बीच खड़े हुए हैं। अभी हम बिलवाई स्टेशन के सागंज और चल के दिखाना प्रयास करेंगे आप सभी को। तो भाई लोग आप देख सकते हैं सामने देखिए बीच में जो आपको ट्रैक दिख रहा होगा, ये दोहरीकरण का ट्रैक है, ये दोहरीकरण का ट्रैक बिछाया गया। फिलहाल ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, और बगल में आपको प्लेटफॉर्म नंबर सामने जो दिख रहा होगा नई बिल्डिंग, वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। तो इसका हम विस्तार से वीडियो एक बनाने वाले हैं बिलवाई स्टेशन का, तो आप लोग जरूर देखिएगा उसका, और पूरा अपडेट हम देंगे बिलवाई स्टेशन का, तो आप लोग उस पर भी प्यार सपोर्ट बनाइएगा। आगे हम दोहरीकरण का दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे, काम काफ़ी जोर से आगे चल रहा है, उसका भी दिखाने का प्रयास करेंगे। बता दें साथियों कि जो दोहरीकरण का कार्य हुआ है सागन से अकबरपुर के बीच का, तो सागन से मालीपुर तक का काम पूरा हो चुका है, तो कल इसका ट्रायल हो जाएगा, कल उसका शुभारंभ हो जाएगा। और फिलहाल देख सकते हैं ट्रैक का काम भी चल रहा है दोहरीकरण के, और आगे इलेक्ट्रिक लाइन पे देखिए काम चल रहा है ऊपर वाले हिस्से में, हम आगे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी संख्या में मजदूर भाई भी लगे हुए हैं आगे, तो उसका भी हम आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों देख सकते हैं वहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक वायर का सेटअप देखिए किस प्रकार का किया जा रहा है, और मजदूर भाई लोग कर रहे हैं।
तो एक ट्रेन यहाँ पे आने वाली है मरुधर एक्सप्रेस, जो कि 10 घंटा ट्रेन लेट है। इसी वजह से लेट है क्योंकि दोहरीकरण का कार्य चल रहा है, तीसरी लेट चल रही है और उसको देखिए शाम को भी खोला जाएगा। फिलहाल अकबरपुर से निकली हुई थी ट्रेन, अब कहाँ पहुँची इसका कोई हमको जानकारी नहीं है। फिलहाल दोहरीकरण का काम चल रहा है सागंज से अकबरपुर के बीच। तो इस समय हम देखिए बिलवाई स्टेशन पे हैं, बिलवाई स्टेशन नज़ारा देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक का वायर का देखिए कुछ प्रकार का वर्क किया जा रहा है, काम किया जा रहा है बड़ी तेजी से। तो कल इसका शुभारंभ भी होना है जैसा कि अब हमको जानकारी प्राप्त हुआ। तो अभी आगे देखिए, आगे काफ़ी संख्या में सभी लोग लगे हुए हैं, इस कार्य को पूरा कर रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं, पूरा सीन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं बिलवाई स्टेशन का। तो आज जिस समय 3:16 हो गया है और दिनांक है 15 दिसंबर और शुक्रवार का दिन है। तो आज हम काफ़ी ज़्यादा मतलब आप सभी को हम अपडेट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी जोरों से काम हो रहा है इलेक्ट्रिक वायर का और यहाँ पे कुछ लगा सेटअप हो रहा है। तो चलिए अभी आगे हम चलते हैं, देखिए ये लोग पूरा सेटअप कर रहे हैं। क्या इसका क्या भैया क्या कर रहे हैं आप लोग, इलेक्ट्रिक वायर का सेटअप कर रहे हैं? अच्छा, कल इसका चालू हो जाएगा काम? कल चालू हो जाएगा। कहाँ से हैं आप लोग? यूपी प्रयागराज। अच्छा, प्रयागराज की धरती से हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कितने लोग हैं आप लोग? अच्छा, तो इसके आगे कहाँ जाएंगे? आगे जाएंगे फिर मालीपुर के आगे काम करेंगे? उधर साइड जाएंगे। अच्छा चलिए, तो साथियों अभी देखिए सागन से मालीपुर तक का काम जो है वो पूरा कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक का, ये लोग इलेक्ट्रिक का काम करते हैं तो सबका काम एक बटा हुआ है, सबका अलग अलग कार्य बटा हुआ है। तो चलिए अभी हम आगे चल के दिखाते हैं, आगे का सीन दिखाएं। फिलहाल हम देखिए ट्रैक के माध्यम से हम इधर चाह रहे हैं। आइए देखिए, ये देखिए लूप लाइन है बिलवाई स्टेशन का, देखिए लूप लाइन है, ये सीधे चला जाता है। ये जो सीधे लाइन जाता है, ये लाइन चला जाता है सागंज, सागंज से चला जाता है जौनपुर जंक्शन। तो बीच वाला देखिए दोहरीकरण, बीच वाला मेन लाइन है, तो हम भी मेन लाइन वाले चलते हैं। तो बिलवाई स्टेशन से हम देखिए सागंज वायर रूट पर इस समय हम देखिए जा रहे हैं दोहरीकरण का दिखाने। फिलहाल अभी हम उधर भी दिखाएंगे, अकबरपुर साइड का भी दिखाएंगे क्या सीन चल रहा है, वहाँ का क्या दृश्य है दोहरीकरण का। फिलहाल आज हम बाइक से ही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो काफ़ी मेहनत का सामना करना पड़ा आज हमको। और यहाँ देखिए लाइन टर्न हुआ है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जो ट्रैक आ रहा है तो उसका लाइन टर्न होकर मेन लाइन देखिए आगे जाके मिल रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और काफ़ी संख्या में मजदूर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। और देखिए लूप लाइन है, हमारे दाईं साइड लूप लाइन है और काफ़ी संख्या में देखिए मजदूर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। चलिए सीधे चला जाता है अकबरपुर साइड और आगे बिलवाई स्टेशन है। फिलहाल देखिए हम रेलवे फाटक से, बिलवाई रेलवे फाटक से करीब 1.5 किलोमीटर आगे देखिए हम आ गए हैं सागंज वाले रोड पर। तो सागंज वाले रूट पर आ गए हैं, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी संख्या में काम हो रहा है, आगे भी काफ़ी मजदूर लगे हुए हैं काम कर रहे हैं। एक इंजन भी आगे खड़ा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा धुंधला आ रहा होगा आगे। तो दोहरीकरण का कार्य काफ़ी ज़ोरों से अकबरपुर सेक्शन पर हो रहा है, सागंज से अकबरपुर सेक्शन पर। तो हम आगे चल के दिखाते हैं पूरा दृश्य और पूरा अपडेट। तो बता दें साथियों कि देखिए दोहरीकरण का कार्य जो पूरा हो रहा है तो सागंज से तुलसी नगर तक का देखिए पूरा हो चुका है। हम अगर वीडियो आपको गलत बता दिए हैं तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो सागंज से तुलसी नगर तक का जो सेक्शन है वहां तक का पूरा हुआ है। तो कल इसका शुभारंभ होगा, दिल्ली से लखनऊ से तमाम टीमें आएंगी और इसका जाँच करेगी। कल ये चालू हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कुछ सेटअप कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक का खम्भा सेटअप कर रहे हैं भाई साहब। तो चलिए अभी हम सागंज वाले रूट पे चलते हैं, वहाँ का दृश्य दिखाते हैं वहाँ क्या हो रहा है। बताते हैं साथियों, देखिए यहाँ पे भी टर्निंग कुछ प्रकार का हुआ है। तो ये देखिए हमारे देखिए दाहिनी साइड ये दोहरीकरण का है ट्रैक, जो कार्य पूरा हुआ है दोहरीकरण का ट्रैक है जिस पे हम चल रहे हैं। तो कल इसका काम पूरा होना है, कल से इस पर देखिए ट्रेन चलना चालू हो जाएगा। और सामने देखिए मालगाड़ी ट्रेन खड़ी है, वही ट्रेन आएगी जैसा कि हम देख पा रहे हैं। तो ये नया वाला देखिए ट्रैक है दोहरीकरण का और सामने से देखिए टर्निंग पॉइंट वहाँ पे देखे हुआ है सागंज, बिलवाई स्टेशन से आप सागंज की ओर जब बढ़ेंगे तो 2-3 टर्निंग पॉइंट वहाँ बनाया गया है। और देखिए तमाम साथी लोग लगे हुए हैं, मजदूर भाई लोग इस कार्य को पूरा करने में, तो उनको भी हम इधर से धन्यवाद देते हैं इस कार्य को सफल कराने में, रेलवे के तमाम अधिकारियों का और उच्चतम अधिकारियों का हम इधर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और चलिए हम आगे का दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे।
देखिए कुछ प्रकार के यहाँ पे फिर नट बोल्ट देखिए टाइट किया जा रहा है, कसा जा रहा है इस सागन से अकबरपुर वाले सेक्शन पे बिलवाई स्टेशन के पास। और सरकार के यहाँ पे देखिए ट्रैक के पास से काम चल रहा है धूरीकरण वाले ट्रैक पे, और क्या वर्क चल रहा है उसका हम देखने प्रयास करेंगे आप सभी को दिखाने के। यहाँ पे काम चल रहा है, देखिए कुछ प्रकार का यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे दोहरीकरण के कार्य पे ट्रैक पे देखिए, और कुछ प्रकार के देखिए यहाँ पे वेल्डिंग हो रहा है, तो काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे भाई लोग कर रहे हैं यहाँ पे वेल्डिंग इससे ट्रैक पे। तो बिलवाई स्टेशन के पास का ये दृश्य है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे वेल्डिंग हो चुका है। फाइनल रूप से देखिए यहाँ पे वो हो चुका है, वेल्डिंग हो चुका है, इसमें देखिए कटिंग होना है अभी, लोग देखिए कटिंग करेंगे मशीन द्वारा, कटर मशीन द्वारा। चलिए सर दोस्तों अभी हम आगे चल रहे हैं, और स्टेशन के परिसर का पूरा व्यू एक नए वीडियो में हम दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम आगे चल रहे हैं स्टेशन के आगे, बिलवाई स्टेशन के आगे जो क्रॉसिंग है जो रेल फाटक है उसके आगे का दृश्य हम थोड़ा वो दिखाते हैं आप सभी को दोहरीकरण का। और यहाँ पे देखिए वायरिंग का चल रहा है इलेक्ट्रिक का, काफी रिस्की का काम है साथियों देख सकते हैं आप। देख सकते हैं इसी तरह देखिए यहाँ पे भी हुआ था, यहाँ पे वेल्डिंग हुआ था, इसी तरह यहाँ कटिंग हुआ है, तो इसी तरह वहाँ पे भी कटिंग होगा। देखिए उसके ठीक सीधे में देखिए कट पूरा वेल्डिंग किया गया है यहाँ पूरी तरह से, देखिए अभी हटा नहीं है, अभी ये सब हटेगा जो आपको दिख रहा है। तो कब हटेगा ये कटे ये कट जाएगा अच्छा कट गया तो बगल अगल बगल वाला अच्छा तोड़ा जाता है। तो साथी बता दें कि ये तोड़ा जाता है, तोड़ने पे ये पूरा निकल जाएगा। और सामने वाला भी देखिए वेल्डिंग हुआ है, तभी वेल्डिंग वाइज भी कटाई होगी, कटर मशीन से काटेंगे इसको। तो चलिए हमारे अपडेट बने रहिएगा पूरा, और अंत तक वीडियो देखिएगा आज दोहरीकरण का, और थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, थोड़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, थोड़ा अंत तक देखिएगा वॉच करिएगा पूरा। तो एक ही वीडियो में पूरा आपको दोहरीकरण का दृश्य सागन से बिलवाई स्टेशन के बीच का आज हम अपडेट दिखा रहे हैं, तो उसके आगे जैसे ही ट्रेन चला जाएगा उसका व्यू आपको दिखाएंगे, बने रहिए वीडियो में हमारे साथियों। आगे हम चल के दिखाने का चाहेंगे आप सभी को, आगे जो इंजन खड़ा है तो उसका व्यू हम दिखाने का प्रयास करेंगे। और काफ़ी ज़ोरों से यहाँ पे कार्य हो रहा है रेलवे का, सागन से जो तुलसी नगर तक का जो दोहरीकरण कार्य पूरा हो चुका है, तो उसका कल पूरा हो जाएगा, कल CRS होना है इसका, जैसा कि हमको जानकारी प्राप्त हुआ है कल उसका CRS होना है। तो साथियों देखिए हम स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर के आगे हम आ चुके हैं इस दोहरीकरण वाले ट्रैक पे, जो नया ट्रैक है सामने जो इस पर हम चल रहे हैं वो नया वाला ट्रैक है। तो आगे एक इंजन खड़ा है तो उस पर कुछ लदा हुआ है जैसा कि अभी हमको जानकारी प्राप्त हुआ है, उस पर गिट्टी लदा हुआ पूरी तरह से, गिट्टी यहाँ पे पड़ा नहीं है जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और सामने कार भी काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है पीछे हमारे, और अभी हम ज़्यादा दूर है क्योंकि हम दूर से ही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी दूर है जैसा हम देख पा रहे हैं ट्रैक पर हम चल रहे हैं, थोड़ा दिक्कत भी हो रही है, मोटी मोटी गिट्टियाँ भी हैं। तो आगे देखिए मालगाड़ी खड़ा हुआ है, उस पर देखिए लदा हुआ है गिट्टी, और बता दे साथियों जो मालगाड़ी खड़ा है वो डीजल वाला है, इलेक्ट्रिक वाला नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक इस पर अभी लाइट चालू नहीं हुआ है तो इसलिए इस पर डीजल वाला ट्रैक है। और देखिए बिलवाई स्टेशन के पास जाने वाला देखिए जो लाइन है उस पर काफ़ी ज़ोरों से देखिए काम चल रहा है। अभी हम बिलवाई जो ट्रैक है जहाँ से हम वीडियो शुरू किए थे उसकी आगे का हम दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे। करीब 2 गुमटी लगा है स्टेशन से पहले, बाएं तरफ एक गुमटी बनाया गया है, गुमटी नंबर 1, और स्टेशन के आगे
यानी रेल फाटक के पास से एक गुमटी बनाया गया है, मतलब दो गुमटी इधर है फिलहाल हमको देखने को मिल रहा है। तो कल CRS होना है इसका। अभी देखिए वहाँ से कुछ लोग आ रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कुछ अधिकारी लोग उसे बैठ के, और कुछ प्रकार देखिए यहाँ पे निरीक्षण कार्य के लिए देखिए कुछ रेलवे के कर्मचारी लोग अधिकारी लोग देखिए यहाँ पे आ रहे हैं। और देखिए काफ़ी बढ़िया, देखिए छोटी सी गाड़ी ट्राई टाइप का, और देखिए सामने GCB के माध्यम से कुछ वहाँ पे कार्य चल रहा है दोहरीकरण के पास। तो चलिए हमारे इस वीडियो में बने रहिए, अभी हम आगे चल के दिखाते हैं आगे का दृश्य, क्या क्या कार्य हो रहा है क्या क्या नहीं दोहरीकरण पर। और जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए बैटरी बॉक्स और LET का सब बॉक्स देखिए लगाया गया है, सिग्नल बॉक्स लगाया गया है। तो करीब देखिए यहाँ पर 5 बॉक्स लगाया गया है और सभी में देखिए वायरिंग भी हो चुका है। और ये दोहरीकरण का ट्रैक जिसपे हम अभी चल रहे हैं, करीब स्टेशन से 1.5 किलोमीटर पहले इस समय हम हैं। तो आगे भी कुछ काफ़ी ज़ोरों से इलेक्ट्रिक का काम चल रहा है। तो चलिए हम आगे का सीन दिखाने का प्रयास आप सभी को कर रहे हैं। तो किस प्रकार देखिए यहाँ पे भी काम चल रहा है, तो देखिए दोहरीकरण का काम चल रहा है यहाँ पे। साथियों देखिए आगे तक देखिए तुलसी नगर तक का देखिए दोहरीकरण का कार्य पूरा हो चुका है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और देखिए रेलवे ट्रैक पे इस समय हम खड़े हैं रेलवे फाटक पर, और यहाँ देखिए कुछ प्रकार के ये लगाया गया है। तो ये जो लगा हुआ है काफ़ी बढ़िया है, इससे देखिए ट्रैक पे जो गाड़ियाँ जाती हैं तो इससे दिक्कत नहीं होती है, गिट्टी उट्टी उस पर गाड़ी नहीं आता तो दिक्कत का सामना नहीं हो पाता है। तो आगे तक तुलसी नगर तक देखिए काम दोहरीकरण का पूरा हो चुका है। तो चलिए, तो साथियों आज इस वीडियो को हम करते हैं यही दोहरीकरण का वीडियो करते हैं समाप्त। तो आसान है, पूरा विश्वास है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को पसंद किए होंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।